क्या आपको पता है टाइम कहाँ से शुरू होती है? डेफिनेटली पता होगा, बचपन में सभी पढ़े होंगे। तो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर लगाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक मैं रेडी हो लेता हूँ। आज आपको एक स्पेशल जगह लेके जाएंगे। स्टे विद मी टिल द एंड। अगर आपने गेस किया ग्रीनिच, तो सही गेस किया। ग्रीनिच से क्रॉस करती है प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसकी लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री। यहाँ का टाइम जोन है GMT, विच इज़ ग्रीनिच मीन टाइम, और इसी को यूनिवर्सल टाइम माना जाता है। और दुनिया में बाकी सारे टाइम जोन्स इसी से कैलकुलेट किया जाता है। आप अगर सोचोगे कि इंडिया में कौन सा टाइम फॉलो किया जाता है, तो इंडिया में किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो है GMT प्लस 5:30। तो ईस्ट के और जितना जाओगे तो प्लस में पड़ता जाएगा, और लेफ्ट में जितना जाओगे वेस्ट की ओर तो वो माइनस में चला जाएगा। यहाँ से हमें जाना है इल्फोर्ड स्टेशन, क्योंकि मैं इल्फोर्ड में रहता हूँ। यहाँ से हम एलिजाबेथ लाइन ट्रेन पकड़ेंगे। इल्फोर्ड स्टेशन से एलिजाबेथ लाइन ट्रेन टू स्ट्रैटफोर्ड 5 स्टेशन, स्ट्रैटफोर्ड से जुबली लाइन ट्रेन टू नॉर्थ ग्रीनिच स्टेशन 3 स्टेशन, एंड देन नॉर्थ ग्रीनिच से बस टू ग्रीनिच पार्क। ऑल टुगेदर 9 मिनट्स प्लस 7 मिनट्स प्लस 8 मिनट्स, 24 मिनट्स, और रेंज टाइम पकड़ के मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स। काफ़ी ब्राइट सनी है, थैंक गॉड, थैंकफुली, क्योंकि यहाँ ये वेदर लेके बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा वेदर मिलना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे, और इस टाइम में अच्छा वेदर लॉन्ग वीकेंड में। सॉरी आई डोंट हैव इट, सॉरी। तो आपने देखा होगा, जैसे एनकाउंटर किया एक होमलेस पर्सन जो पैसा मांग रहा था, वो ऑलमोस्ट मेरे को फॉलो करने वाला था, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके आ गया, क्योंकि इन सब चीज़ में पढ़ना नहीं है मेरे को अभी। और हाँ, जो मैं बता रहा था, ब्राइट एंड सनी डे, और ये लॉन्ग वीकेंड में बहुत लोग घूमने जा रहे हैं, मेरा जितना सारे फ्रेंड्स हैं कहीं ना कहीं जा रहे हैं सब लोग। ग्रीनिच इज नॉट एन आइसोलेटेड प्लेस एट ऑल, वो लंदन के अंदर ही है, और आउट ऑफ 32 बोरोज ऑफ लंदन ग्रीनिच एक बोरो है। लोग कम दिख रहे हैं आज रास्ते में, शायद कल ही बहुत लोग निकल चुके होंगे हॉलीडे के लिए। तो होपफुली ट्रेन खाली मिलेगा, नहीं मिलता है तो देखते हैं। हाँ, ग्रीन हो गया, चलो चलते हैं।
वहाँ स्टैंड फॉर किस तरफ जाना है समझ नहीं आ रहा है किस तरफ जाए सेंट्रल लाइन एलिजाबेथ लाइन जुबली लाइन इस तरफ हमें जुबली लाइन पकड़ना है तो इस तरफ भाई साहब देखो कितना भीड़ है जुबली लाइन इतना इजी नहीं होने वाला है से वेस्ट टाइम नेक्स्ट वाला स्टेशन है वन स्टेशन है वहाँ पे फिर उतर के नेक्स्ट वाला ट्रेन लेंगे अभिजीत हो रहा अभी सामने है लेकिन सामने डोर है ये ट्रेन जाएगा वेस्ट स्टक Welcome to this compartment. Thank you. No, late ho gaya, sorry. हाँ क्योंकि कल इतना ज़्यादा वॉक किया ना मोर देन 5 किलोमीटर्स सॉरी थैंक यू तो हम पहुँच गए नॉर्थ ग्रीनविच ट्रैफल का स्टेट ना हाँ टी स्टॉप टी बराबर ये है ग्रीनविच पार्क की गेट लेकिन खाली खाली है ना आज सब भीड़ उधर है ना आज अच्छा हाँ क्या है के अंदर पता नहीं क्या है चलो जाके देखते हैं हाय वी आर जस्ट वंडरिंग लाइक व्हाट्स इनसाइड इट्स एन आर्ट गैलरी
Okay, it's... So it's the home of Henrietta Maria, who was Charles I's wife. Okay. About 360 years ago, so it does have quite a lot of history. It's okay. Free to come in as well, so you can make a donation if you wish. Okay. Can I ask your backpack though? When you yeah, yeah, sure. Can you carry it by your side? Yeah, yeah, sure. Or wear it on the front? Okay. And you don't have to check it, it's fine. Okay. Just carry it by your side. Okay, sorry. Well, if you want to leave it behind, you can. Okay. But they cost £1. Okay, that's fine. It's not too heavy. Thank you very much. ये डिजाइन है या अंडर कंस्ट्रक्शन है? नहीं डिजाइन है, डिजाइन है। ऊपर जाना पड़ेगा ना? लिफ्ट से चलेंगे? ऊपर से नीचे आते हैं ना? हाँ ऊपर से नीचे आते हैं। सेकंड में चलो। वाह अच्छा ये है ट्रेजर पीछे जो जहाज है ना इसको लेके हम इंडिया जा सकते हैं यहाँ से जा है कि नहीं पक्का जा सकते तुम इस तरफ बैठने का हम मैं इस तरफ बैठूंगा और ये जो ऊपर वाला जो खींचना पड़ता है ना रास्ते में कोई आया तो कैनन्स वगैरह है हाँ कैनन्स वगैरह है ना नज़दीक से दिखाते हैं हाँ बहुत सारा कैनन्स वगैरह है 96 कैनन्स तो चलो निकल पड़ते हैं आज ही लेकिन ये सीढ़ियों से इतने लंबे लंबे लोग अगर जाते होंगे तो सर पे लगता होगा ना नहीं लगते कि बहुत हाइट तो इस बिल्डिंग का टूर हो गया कंप्लीट देखने में इतना लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा है अंदर तो मैं तो घूमते घूमते थक गया और पेंटिंग देखते देखते बहुत सारे पेंटिंग्स हैं कितने बड़े और साइज भी काफ़ी बड़ा है ना पेंटिंग्स का बड़ा है एक ही फ्लोर घूम पाया अपन हाँ यहाँ से जा सकते हैं ना हाँ यहाँ से रास्ता है यहाँ सीढ़ियाँ है रास्ता क्या है वो जो दूर में आपको दिख रहा है बिल्डिंग टाइप का कुछ वही है रॉयल ऑब्जर्वेटरी और उसी से प्राइम मेरिडियल लाइन क्रॉस करती है और वो एक्चुअली काफ़ी एलिवेटेड है मतलब एक आप बोल सकते हो पहाड़ नहीं लेकिन छोटा मोटा पहाड़ ही बोल सकते हो क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा है और रोड काफ़ी स्टिफ है उसका तो चढ़ना पड़ता है पैदल हम लोग जाएंगे वहाँ पे स्टे विद अस आ जाओ रोड से चलते हैं मेंटेन काफ़ी अच्छे करते हैं यहाँ पे लेकिन लोग कम है ना विजिटर्स तुम सोचो अगर यही होता इंडिया में तो ये पूरा क्राउडेड होता ये क्राउडेड होता अब पॉपुलेशन ज़्यादा है क्या कर सकते हैं लोग आएंगे ना ऑब्वियसली दूर में आपको एक बॉटल दिख रहा है वो बॉटल छोटा वाला बॉटल नहीं है वो बहुत बड़ा वाला बॉटल है एक रूम से भी ज़्यादा बड़ा है वो बॉटल जिसके अंदर जहाज़ है अब जी तुम एकदम नीचे जाओ तो रिलेटिव ये समझ में आएगा हाँ अभी आराम से रह सकते हो देख के समझ में आ रहा है
बड़ा है। यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी है और भी होंगे, सैंडविचेस हैं। अभिजीत आज वेज खाएगा तो एक वेज रैप, और ये मेरे लिए चिकन रैप है, और ये टूना क्यूकम्बर सैंडविच है। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा है। छोटा सा म्यूज़ियम भी है, वॉयजर्स। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। एक तो लग रहा है बैरोमीटर, एक टेलीस्कोप है, मेडिकल चेस्ट। हाँ, ये फर्स्ट एड किट है मेडिकल। अरे यार, ये सॉ है, इससे किस क्या काटता होगा। हाँ, पुराने ज़माने में डॉक्टर वगैरह ये सब चीज़ यूज़ करते थे, देख रहे हो, मतलब तो जान निकल जाएगा ये सब चीज़ अगर निकालते कोई। नाइफ्स वगैरह है, रम की बॉटल। भीड़ बढ़ गए। हाँ, वहाँ पे लिफ्ट नहीं है ना। हाँ, वहाँ पे लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट गजक। यहाँ से सीधा जो दिख रहा है ना, सीधा रास्ता जाके थोड़ा सा ऊपर है, एंड उसके बाद एकदम स्टिफ क्लाइंबिंग है। फाइनली ऐसा रोड है, रास्ता ऐसा है। गोप्रो में बहुत ना दूर धकेल देता है सामने का सीन, तो ये चीज़ है, बहुत क्लियरली दिखता नहीं है। स्टिक चाहिए ऐसे ऐसे करके उठने के लिए। यहाँ पता चले है ना कहाँ ऊपर जा रहे हैं। हाँ, ये है फाइनली रॉयल ऑब्जर्वेटरी। बहुत अच्छा व्यू है कैनरी वॉक का, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, एंड थोड़ा सा ऊपर आ गए हम लोग, थोड़ा सा ही आए हैं, और भी ऊपर जाएंगे तब और भी अच्छा दिखेगा। चलते हैं आगे। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज टू रीच 0 degree, तो We're almost there. It's almost only half. गिर जाएगा तो चलो ऊपर चलते हैं, पहले ऊपर चलते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं बाद बाकी का सीनरी। काफ़ी काफ़ी डिस्टेंस है, अभी जाना पड़ेगा। हाँ, इतना सुंदर नज़ारा देख रहे हैं, तो धूप में बैठना भी हुआ, और यहाँ पे सामने कुछ है नहीं, मतलब ऐसे कोई गेम वगैरह नहीं चल रहा है, लेकिन बस लोग बैठ के यही व्यू देख रहे हैं, सुंदर सा, ऑलमोस्ट हेवन। रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पे जो जो है बोर्ड में लिखा हुआ है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। ये GMT का क्लॉक है। अभिजीत, इज इट GMT? इट्स नॉट, राइट?
लुक एट द टाइम नहीं वो अलग 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 वे में है इट्स नॉट ओके ये घड़ी देख पा रहे हो लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है दिस इज समथिंग डिफरेंट ओके ये वाला क्लॉक अब तो बराबर ना 12 बज रहे ना पौने 12 हुए ना अच्छा BST है ना अभी अभी टाइम है 12:47 अभी BST है तो एक्चुअली 11:47 है ना लेकिन BST भी दिखाता है वो पता नहीं चेंज नहीं किया हुआ नहीं ये तो बोल रहा है शुड बी फाइन लेकिन वो ज़ीरो है ना वो हमारे वहाँ पे ऊपर 12 होता है हाँ ये अलग है देख रहे हो ना ये ज़ीरो है 0, 5, 10 ये क्या टाइम दिखा रहा है मुझे पता नहीं है अभिजीत को पता नहीं है ये सही है या गलत है ये भी हमें पता नहीं है अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में डालिए टू बी ऑनेस्ट Yeah, we have no clue at all what it's showing. और numbers भी थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा हुआ है ज़ीरो से स्टार्ट है हमारे वहाँ पे ज़ीरो नहीं होता हमारे वहाँ पे 12 होता है तो दीज आर द बेंच मार्क्स ओके मेजरमेंट नीचे जो दिख रहा है ये यार्ड है ये यहाँ से यहाँ तक 2 feet है 1 foot अब देखो यहीं से ये स्टैंडर्ड है ये 6 inches है ये 3 inches है नज़दीक से दिखाता हूँ 3 inches 6 inches 1 foot 2 feet एंड ऊपर यार्ड है जो इंडिया में जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते बट ये 2 feet से ज़्यादा है अराउंड 3 feet के आसपास है आई एम श्योर दिस इज़ नॉट द वन जो जिससे एक्चुअल मेजर करते हैं ये डिस्प्ले के लिए लिखा रखा हुआ है लेकिन अंदर कहीं पे होगा प्रॉपर टेम्परेचर में रखा हुआ जो कि स्टैंडर्ड है उसी से जितना सारा वर्ल्ड में स्केल्स वगैरह बनते हैं उसी से वो मेजर करके बनते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन की लाइन एक्चुअली रियल लाइन नहीं है ये फिक्शनल लाइन है और ऐसे बनाया गया है टूरिस्ट के लिए तो लोग आते हैं उसके ऊपर खड़े होकर फ़ोटो लेते हैं क्योंकि उसमें सारे इम्पोर्टेंट सिटीज़ का लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है ओके आज यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ होने की रीज़न और एक है कि जो अभी करंट क्वीन है उनकी 75th मॉनार्क एनिवर्सरी है तो प्लैटिनम जुबली है तो इसलिए ये गोपुर में तो डेफिनेटली नहीं आएंगे लेकिन बकिंगहम पैलेस में सेलिब्रेशन चल रहा है तो उसके लिए ऊपर में ना स्काई में बहुत सारा फ्लाइट्स फ्लाइंग फाइटर जेट्स एंड सबका रैली वगैरह हो रहे हैं तो यहाँ से बहुत सारे कैमरामैन हैं जो यहाँ आए हैं यहाँ से पूरा ऑलमोस्ट पूरा लंदन क्लियरली दिखता है एटलीस्ट स्काई तो यहाँ से बहुत लोग बाइनोकुलर लेके आए हैं कैमरा लेके आए हैं सब कुछ लेके आए हैं यहीं से सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं देख भी रहे हैं तो हम लोग को भी दिख गया बहुत सारा फ्लाइट प्लेन्स फाइटर जेट्स लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है और GoPro में डेफिनेटली वो नहीं आएंगे तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट अभी हम लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे तो हम लोग ग्रीनविच पार्क घूम लिए रॉयल ऑब्जर्वेटरी घूम के आए अभी यहाँ से निकलेंगे हम और अपोजिट में ही है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कंपाउंड काफ़ी बड़ा है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का और अभी तो आज तो हॉलीडे है और ऐसे खुला हुआ है लोग आ सकते हैं हम लोग भी आ गए अंदर
पास में जाएंगे, पास में ही थेम्स है, मी एंड अभिजीत। बहुत बड़ा है, हाँ मस्त वॉक करने में मज़ा आ रहा है। हाँ बड़ा भी है, सुंदर भी है, मतलब पुराना नीट एंड है ना, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। हाँ पुराना है काफ़ी, लेकिन क्लासेस वगैरह होते होंगे ना, होते होंगे ना, आज तो छुट्टी है। ये जो यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर गोप्रो में भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप सोच सकते हो कितना बड़ा है। तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ टुवर्ड्स थेम्स, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ, वहाँ से होपफुली आ जाएगा पूरा बिल्डिंग। ये अंदर का व्यू है और आपको ग्रीनिच पार्क भी दिख रहा होगा इसके बैक साइड में। चलिए आपको लेके चलते हैं नदी के पास। यहाँ से हम लोग नीचे जा सकते हैं, अनबाउंडेड व्यू ऑफ थेम्स। ये मैंने एक दो स्टेप ही जाऊंगा, उसके नीचे जाना जाने का नहीं है। अभी जब आ रहा है तो ये रहा शानदार व्यू ऑफ थेम्स। अच्छा आपको सामने जो दिख रहा है ना वो है फेरी पोर्ट, तो वहाँ से आप टिकट लेके जा सकते हो। और ये रहा ऊबर बोट, यहाँ से पैदल वॉक करके नीचे से जा सकते हैं आप उधर। क्यों इतना कंपनी है क्या बनाया उन्होंने अंदर से, उन्होंने ऐसा है क्या चैनल, यहाँ से अंदर से जाके उधर निकल सकते हो। अच्छा, अच्छा वो जो दिख रहा है क्या सब फ्लैट ऊपर आया हुआ, हाँ वहाँ से होता है, और वो जो सर्कुलर है उसके अंदर से आप निकलते हो बाहर। अच्छा यहाँ सेम टाइप इधर भी है, यहाँ से आप जा सकते हो। अच्छा अंडरपास बना हुआ है वो, लेकिन दिखता है क्या पानी वगैरह सब कुछ? पानी नहीं दिखता, पूरा पैक्ड है। ओके पानी मेटल से पैक है पूरा। ओके मतलब पता नहीं चलेगा कि टनल है। ओके चलो निकले क्या यहाँ से, चलो चलिए निकलते हैं यहाँ से। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।